पंजाब काबीना ने कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी शख्स की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना और 6 माह तक कैद हो सकेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, महकमा सेहत को 11 अरब के फंड जारी कर दिए। 10,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा। स्कूलों की छुट्टियों को 30 मई तक बढ़ाया जाएगा। तलबा से आधी फीस लेंगे और असातिज़ा को मुकम्मल तनख्वाहें देंगे। पूरी काबीना का कोरोना फंड में 1 माह की तनख्वाह देने का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन 9 माह के लिए मुलतवी करने का भी ऐलान किया। पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 की पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दी है और हेल्थ डिपार्टमेंट को 11 अरब रुपए के फंड्स जो रिलीज कर दिए हैं उनकी अप्रूवल दी है। जो डॉक्टर्स हैं पंजाब के अंदर 10,000 डॉक्टर्स नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए सूबाई काबीना मंजूरी दे दी है। इसमें 10,000 जो डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ होंगे वो भर्ती की जाएंगे। इनके अलावा जो स्कूल्स हैं हमारे पंजाब के अंदर उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई कि स्कूल्स में छुट्टियां कर दी जाएं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस कम की जाए। तो इसके लिए फौरी तौर पर हमने कमेटी बना दी है जिसमें लॉ मिनिस्टर और मिनिस्टर एजुकेशन हमें 1 हफ्ते के अंदर इनकी रिपोर्ट देंगे, फिर इंशाल्लाह हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। आज हम एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो आज इंशाल्लाह हम इसको इशू करेंगे। उसमें जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको हम 9 माह के लिए मुलतवी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने और मेरी पूरी काबीना ने 1 माह की तनख्वाह जो कोरोना प्रिवेंशन फंड है उसके लिए हमने मुख्तस कर दी है।